नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। टीम इंडिया के हरपन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की फिटनेस लगातार सवालों के घेरे में है। पांड्या के गेंदबाजी नहीं करने से टीम इंडिया की चिंता बढ़ गई है। T20 विश्व कप में हार्दिक के टीम में चुने जाने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। भारत के पूर्व क्रिकेटर और पूर्व चीफ सेलेक्टर रह चुके संदीप पाटिल ने हार्दिक के टीम में शामिल किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। पाटिल का कहना है कि हार्दिक पांड्या को राष्ट्रीय टीम में शामिल करने से पहले सेलेक्टर्स को उनका फिटनेस टेस्ट करना चाहिए था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक संदीप पाटिल का कहना है कि हार्दिक पांड्या का प्लेइंग 11 में सिलेक्शन कप्तान और कोच के ऊपर है और केवल BCCI ही इस बारे में जान सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई खिलाड़ी फिट नहीं है तो उसके चयन के लिए सेलेक्टर्स ही जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर हार्दिक पांड्या ने पूरे IPL में गेंदबाजी नहीं की तो चयनकर्ताओं को कोई फैसला करना चाहिए था। उनको वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हिस्सा बनाने से पहले एक फिटनेस टेस्ट ले लेना चाहिए था। बता दें कि इससे पहले जब T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा हुई थी तो चयनकर्ताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे, लेकिन इसके बाद उन्होंने न केवल IPL के UAE चरण में बॉलिंग की बल्कि विश्व कप में भी अभी तक कोई गेंदबाजी नहीं की। हालांकि अब हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन हार्दिक पांड्या भी किस मैच में गेंदबाजी करेंगे ये भी स्पष्ट नहीं है। भारत को 31 अक्टूबर को ही T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना अहम मुकाबला खेलना है, जहां पर ये देखने वाली बात होगी कि हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो वो कितने ओवर डालते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।